मैं बचपन से ही सोचता था कि कब प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, अयोध्या धाम में कब हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। ये देखिए सौभाग्य हमारा है कि कल नामांकन से पहले हमको अवसर मिला है और हम आज प्रभु श्री राम का दर्शन करें। क्या मन्नत मांगी आपने भगवान राम लला से? हमने प्रभु श्री राम से यही मांगा है कि जैसे आपका महल बना है वैसे ही मेरे भारत को भी विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको भी आप पूरा कर दीजिए प्रभु, यही मैंने मांगा है प्रभु श्री राम से। जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कहा कि राम से राष्ट्र की हो। हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है, अब हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, प्रभु श्री राम की कृपा से ही होगा और उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत होगी? बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आप तो पूरा देश कह रहा है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। प्रचारक रहे हैं, देशवासियों को अपने धुन में क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, जय श्री राम। विपक्षों के लिए क्या आपने कैसा गुनगुनाना चाहिए? विपक्ष के लिए तो यही कहेंगे, चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है, भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा। भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के पार्ट को नेता को ठुकरा दिया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो भी दर्शन करना चाह रहे हैं राम लला का, क्या मानते हैं? मुझे लगता है प्रभु श्री राम की कृपा जिस पे होगी वो जरूर दर्शन कर पाएगा, अगर राम जी चाहेंगे तो उनको भी दर्शन मिल ही जाएगा। बहुत बहुत सौभाग्य महसूस कर रही हूँ मैं कि आज श्री राम लल्ला का इतना अच्छा दर्शन हुआ, मैं तो अंदर पूरे टाइम रो ही रही थी, आँख पोछ पोछ के दर्शन करना पड़ रहा था, इतने सुंदर दिख रहे थे भगवान की, एकदम भाव विभोर हो गई थी। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि आज फिर मुझे दर्शन करने का मौका मिला। ऐसा लगता है भगवान राम के दरबार पहुँचने के बाद ऐसा लगता है सारे पिछले जितने भी जन्म थे सबके पाप मिट गए, सब धुल गया और बहुत अच्छा फील होता है। मैं अपने सभी देशवासियों को ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आइए श्री राम लला का दर्शन करने, इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। सब लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग दर्शन लें, सबको आशीर्वाद मिले। मैम लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, भगवान राम का दर्शन करके क्या आप कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगी सबको कि मैं जानती हूँ गर्मी है, पर गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा अधिकार है कि हम वोट दे सकते हैं। हम बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी लाइफ गुजर रही है, तो हमें प्लीज़ अपना धर्म निभाना चाहिए और वोटिंग के दिन चाहे कुछ भी हो बाहर निकल के वोट देना चाहिए, अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। अयोध्या डेवलपमेंट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आप तो घूम चुके हैं अयोध्या? जी जी, मैंने यहाँ पे 2-3 फिल्मों की शूटिंग की है और एक एक दो दो साल के गैप पर की है, और हर बार जब आती हूँ 2 साल बाद तो लगता है कि नए अयोध्या में आ गई हूँ। इतना निर्माण हो रहा है यहाँ पर, इतनी प्रगति हो रही है, इतना विकास हो रहा है, मुझे देख के बहुत आनंद महसूस होता है। योगी जी और मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? मैं यही मानती हूँ कि हमारे देश को संवार दिया उन्होंने, हमारी आस्था को और सशक्त किया है उन्होंने, हम सब लोगों के मन में उनके लिए बहुत सम्मान है और बस बेस्ट विशेज है दोनों के साथ हमेशा।